हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट कोकोनट की चटनी की रेसिपी, और ये मल्टीपर्पज़ चटनी है। कई सारे साउथ इंडियन डिशेस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। घर में अगर कभी नारियल नहीं है और आपने कुछ साउथ इंडियन बनाया है तो आप ये क्विक ये चटनी की रेसिपी बना सकते हैं। तो देखिए, नारियल की जो चटनी बनती है वो ताज़े नारियल के साथ बनाई जाती है। अगर वो नहीं है तो ये आप जो ड्राई नारियल होता है, सूखा नारियल जिसे बोलते हैं, इसमें पानी नहीं होता है और हर घर में ये होता है अवेलेबल, तो हम इसी के साथ बनाएंगे और टेस्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आता है जो नारियल के साथ हम चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है। तो इसी के साथ ये इंस्टेंट चटनी बनेगी। तो सबसे पहले इस नारियल को, ये जो इसको गोला भी कहा जाता है, तो ये ड्राई गोला जो है इसको मैं कट कर देती हूँ और अभी इसको हम ना ग्रेट कर लेते हैं, कद्दूकस करेंगे। तो देखिए, जो पानी वाला नारियल होता है उसके अंदर पानी होता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ताज़ा फ्रेश चटनी बनती है। तो बिल्कुल फ्रेश चटनी बनेगी इसकी, बिल्कुल सेम यही तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी आपको ताज़े नारियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने कुछ साउथ इंडियन बनाया है और ये नारियल चटनी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, जो ये गोला है इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश नारियल का टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, ड्रिंकिंग वाटर इसमें हम डालेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा पानी डालेंगे बस, ये बिल्कुल उसमें पानी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। करीब 10 मिनट के लिए इसको ऐसे रख देंगे। तो 10 मिनट में क्या होगा, जो ताज़े नारियल की फ्रेशनेस होती है और जो टेस्ट होता है ना, वो इस तरीके से इसमें आ जाएगा। 10 मिनट के बाद देखिए, पानी एकदम अच्छे से इसमें अब्सॉर्ब हो गया है नारियल के अंदर, ये बिल्कुल टेस्ट इसका वैसे ही आएगा और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसको हम अच्छे से पीस सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं चटनी के लिए। अभी इसमें ना पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डाला था। अगर ज़्यादा पानी आपको लगता है तो आप पानी को ड्रेन आउट कर लीजिए। और अभी इसमें मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, बस बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो एक जार में इसको डाल दिया है और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि इमली नहीं है मेरे पास तो आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इंस्टेंट चटनी है तो आमचूर पाउडर भी इसमें चलेगा। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक, ये बिल्कुल अच्छे से इसमें डालें हरी मिर्च और अदरक, अच्छा टेस्ट आता है जिंजर का इसमें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, तो दही सिर्फ 1 चम्मच दही डाला है और इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा नमक और ऐड किया था इसमें, और अब इसको पीस लिया है। एक इसको अलग से बाउल में निकाल लेंगे। तो चटनी को हमने पीस लिया है देखिए अच्छे से। अब इसको में हम एक तड़का लगाएंगे जिसकी वजह से ये चटनी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसका तड़का लगाते हैं और ये देखिए, पीसने के बाद बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसे वाइट फ्रेश कोकोनट का होता है ना टेक्स्चर, बिल्कुल वही टेक्स्चर आया है। अभी क्या करेंगे, गैस पर हम तड़का पैन डालेंगे या कोई भी फ्राई पैन ले लीजिए, और उसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो ये तड़का मस्टर्ड ऑयल का ही लगाएं आप इसमें। फिर इसमें डालेंगे हम राई दाना और थोड़ी सी हींग। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी उड़द दाल, चना दाल, ड्राई उड़द दाल और ड्राई चना दाल है। हींग डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे करी लीव्स और सूखी लाल मिर्च, तो ड्राई रेड चिली है ये सूखी, और थोड़ा सा करी लीव्स डाला है, ये ड्राई करी लीव्स है मेरे पास, आप फ्रेश करी लीव्स भी डाल सकते हैं। तो एक लाल मिर्च और डाल देती हूँ इसमें। अब बस इसको थोड़ा सा चटका लेंगे, जलाना नहीं है इसको, बस हल्का ब्राउन करना है और चटकने लग जाए तभी इसको चटनी के अंदर हम मिक्स कर देंगे। तो ये चटनी के ऊपर डाल दिया है मैंने,
और ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी चटनी बनेगी आपकी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं विदाउट कोकोनट, विदाउट जो फ्रेश कोकोनट होता है उसके बिना भी ये चटनी बन सकती है। इसको मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी इंस्टेंट नारियल चटनी बनकर रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं मसाला डोसा के साथ, उत्पम के साथ, रवा इडली या इडली, किसी भी चीज़ के साथ। साउथ इंडियन कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं ना और उसमें कोकोनट चटनी अगर आपको बनानी है और नारियल भी नहीं है तो फिर आप ये चटनी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही टेस्ट आता है, वही फ्रेशनेस और वही फ्लेवरफुल ये चटनी बनती है। तो आप इसको एक बार ट्राई करें, इंस्टेंट चटनी है ये और बहुत जल्दी बन जाती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक दे दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके भी बताइए, और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।